हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी सरजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैं जो है इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल और जो है एनटीपीसी के जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है दोस्तों हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें इस वीडियो में मैं बात किया हूँ कि भारतीय मंदिर निर्माण शैली। जी हाँ दोस्तों, भारतीय निर्माण मंदिर शैली की जो परंपरा थी वो कैसे जो है अपने यहाँ पे यूटिलाइज करके उसको मंदिर को हम लोगों ने बनाया, तो उस चीज़ को हम इस वीडियो में आज जानेंगे। जाने कैसे नींव पड़ी भारतीय मंदिर की। जी हाँ दोस्तों, भारत के मंदिरों की नींव कैसे पड़ी, इस वीडियो के रेलवे और एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल सकता है। एग्जाम में जितने यहाँ पर बातें होंगी उतने ही टर्म में आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन लेके चलूं या क्वेश्चन पे बात करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आप तक जो है अब तक कोई वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर करिए। आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको देख रहा होगा कि भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली। जी हाँ दोस्तों, आज इस जो व्हील चक्र आपको दिख रहा है दोस्तों, ये उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये अनवरत बताता है कि हमारा देश जो है ऐसे आगे बढ़ता रहे। तो इस तरीके से यहाँ से कहें तो डिफरेंट ब्रांच निकली, ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकली हुई। इस फिगर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि ये व्हील जो है डिफरेंट शैलियों को शो करता है। तो वो क्या है शैलियाँ? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके जो है इसके जो है बारे में बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है दिखाना चाहता हूँ, ये दे रखा है आपका गुफा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, गुफा मंदिर के बारे में बात करते हैं, फिर नागर शैली क्या है उसके बारे में बात करते हैं, फिर द्रविड़ शैली क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इसको अगर आप जान जाएंगे इस वीडियो में समझ लेंगे, तो जो आपसे ये गुफा या मंदिर या भारतीय स्थापत्य मंदिरों की जो शैली पूछता है उससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, वो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम में आए, वो चाहे एसएससी के एग्ज़ाम में आए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ लिखा है गुफा मंदिर ये तीन अलग अलग चरणों में बने हैं। पहला ईसा पूर्व, दूसरा 5वीं सदी ईसा पूर्व, फिर 7वीं सदी से 10वीं सदी ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं बात करता हूँ स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 पे दोस्तों दे रखा है ईसा पूर्व 3री सदी से 2री सदी ईस्वी तक। यहाँ दिखा है बौद्ध मंदिर तथा आजीवक गुफाएं विहार व बराबर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं पॉइंट 1 पे आपको बता रहा था यहाँ पे कि बौद्ध जैन तथा आजीवक गुफाएं बिहार के बराबर में बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद इसमें भाजा अजंता कन्हेरी यह बौद्ध का चैत्य है। जी हाँ दोस्तों, यह बौद्ध का चैत्य है और नासिक का गुफा महाराष्ट्र मंदिर कहें तो नासिक गुफा मंदिर जो था वो महाराष्ट्र में। उदयगिरी और खंडगिरी की जैन गुफाएं उड़ीसा में हैं। हाथी गुफा का शिलालेख वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। जी हाँ दोस्तों, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि हाथी गुफा का वर्णन किस शिलालेख में इसका वर्णन है, तो वो या किस पर्वत के अंतर्गत ये आता है, तो वहाँ कुमारी पर्वत के रूप में आता है, तो आपको जो है कुमारी पर्वत ऑप्शन टिक कर देना है। फिर आपको दे रखा है दोस्तों दूसरी पॉइंट पे आपको दे रखा है 5वीं सदी ईस्वी से 7वीं सदी ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, इसमें पॉइंट 1 है जो महाराष्ट्र और औरंगाबाद के अजंता और एलोरा गुफाएं। ये गुफा मंदिर दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो मंदिरें बनती थी गुफाओं में बनाई जाती थी। जी हाँ दोस्तों, वो केव में बनाई जाती थी और उसी में जो है गुफा मंदिर कहें तो गुफा मंदिर शैली इसको नाम दे दीजिए। वहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन बनाई जाती थी, वहाँ पे लोगों के चित्र को अंकित किया जाता था, तो वो जो भी बनती थी वहाँ के उस समय के रहने वाले लोगों के द्वारा गुफाओं के अंदर बनाई जाती थी। ये शैली को उन्होंने गुफा मंदिर आज के में गुफा मंदिर का नाम दिया। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
सबसे बड़ी गुफा मंदिर आपको पता ही है, अजंता की गुफाएं, 27 गुफाएं वहां पे हैं। जी हाँ दोस्तों, छत तथा दीवारों पर बने भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। वहां पे छत जो है ऊपरी छत पे भी बनाए, पूरे दीवार में पूरे अंदर में तो डिफरेंट तरीके की नक्काशी की गई है दोस्तों। वो बहुत बेहद आकर्षक लगता है, एक बार आप जरूर अजंता की गुफाएं देखिए, आपको लगेगा कि हमारी शैली कितनी अच्छी थी। इन चित्रों में बुद्ध तथा उनके जीवन की जातक कथाओं का चित्रित जो ये दे रखा है 5वीं सदी से 7वीं ईस्वी पूर्व तक, तो दोस्तों ये समय जो है लगभग बौद्ध चीज से रिलेटेड था, तो इस वजह से ज़्यादा जो है विख्यात हुए, तो उन्हीं पे ज़्यादा चीज़ वहाँ पे चित्रित की गई है। रही बात एलोरा गुफा मंदिर, लगभग 35 गुफाएँ वहाँ पर, लगभग 35 गुफाएँ बनी हुई उसमें जो है, उसमें भी यही बौद्ध से रिलेटेड जो है रिलेटेड, इसमें तीनों तरीके के हिंदू बौद्ध और जैन तीनों जो है धर्म गुरुओं की या फिर कहें तीनों धर्म से रिलेटेड वहाँ पे नक्काशी की गई, वहाँ पे मंदिर पे नक्काशियाँ की गई हैं, मूर्तियाँ बनाई गई। हिंदू देवमाला की नाटकी नटकाओं घटनाओं की शिल्पाओं शिल्पियों पर शिल्पियों द्वारा अमर बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जरा उसको जो है हिंदू देवमाला की नाटकी घटनाओं को शिल्पियों द्वारा मतलब नक्काशियों द्वारा या फिर कहें कि मूर्तियों द्वारा अद्भुत जो है स्वरूप दिया गया है, तो उसको एक इमॉर्टल जो है फॉर्म में बना के छोड़ दिए थे उस समय के लोग। फिर लिखा है दोस्तों यहाँ पे बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, उसी काल में जो है बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक की बनी। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ भगवान शिव के अर्धनारीश्वर और हरिहर अवतार की नक्काशियाँ की गई है। जी हाँ दोस्तों, बादामी गुफा मंदिर में जो कि कर्नाटक में है, भगवान शिव के तांडव नृत्य करते हुए नटराज अवतार की नक्काशी थी, नक्काशी भी की गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सहिसा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको लिखा है महिषासुर मर्दिनी, जी हाँ दोस्तों, तथा गणपत और शिवलिंगम की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं, और भगवान विष्णु या कहें भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार की भी मूर्तियाँ बना के दिखाई गई हैं। पॉइंट नंबर थर्ड पे दे रखा है 7वीं सदी से 10वीं सदी ईस्वी पूर्व तक, इस काल में गुफा मंदिर मुंबई के निकट एलिफेंटा और एलोरा में है। जी हाँ दोस्तों, इस काल के जो भी जो है मूर्तियाँ बनाई गई लगभग जो है महाराष्ट्र जोन से रिलेटेड है। एलिफेंटा की गुफाएँ, दूसरा पॉइंट पर एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम का भव्य मूर्ति है, इसे राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनाया गया है। ये पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता भी है कि एलिफेंटा की गुफाओं के त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश आता है, किस राष्ट्रकूटों किस राजाओं के द्वारा बनाया गया, तो राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाया गया। दोस्तों राष्ट्रकूट राजाओं, चोल राजा और ये कुछ साउथ के जो उस समय के राजा लोग थे उस समय के, वो बहुत मंदिरों को बनवाए। सच में बताएं तो वही लोग जो है इंडिया में मंदिरों की नींव शैली को रखा, उन्होंने ही मंदिर को ही ज़्यादा से ज़्यादा बनवाया। और यहाँ पे इतिहास आपको पता है, इतिहास में कई लोग कई जो है मुस्लिम शासक आए अरब से और जो है इंडिया को जो है पूरी तरीके से मंदिरों को लूटा और पूरे यहाँ के लोगों को भी नरसंहार किए और यहाँ की सारी संपत्ति को लगभग वो लूट के लेकर चले गए। तो साउथ में वो बिल्कुल नहीं जाते थे क्योंकि वो ऊंची नीची पहाड़ियाँ थी, तो उधर वो समझते नहीं थे, सोचते इधर उसके बाद समुद्र है, तो वो ऐसा ऐसा डाउट था, इस वजह से साउथ की तरफ नहीं जाते थे। वहाँ की सारी मंदिरें और मूर्तियाँ जो हैं कहीं सुरक्षित हैं आज भी देखने में, और वहाँ जो जैसे बना दिए थे जिस काल में आज भी हैं। तो इस तरीके से जो है मूर्तियों का जो एक सिलसिला था वो साउथ के राजाओं ज़्यादा साउथ के राजा लोग ज़्यादा बनाते थे। और आगे बात मैं करूँ तो चेन्नई के निकट महाबलीपुरम के गुफा मंदिर इस काल में बनाए गए प्रमुख मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, गुफा मंदिर का जो काल था या कहें 7वीं सदी से 10वीं सदी के, वो चेन्नई के निकट महाबलीपुरम के गुफा मंदिर इस काल के बनवाए गए प्रमुख मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनाया गया, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, ये यहाँ तक SSC रेलवे के अलावा टेट सुपर टेट या फिर कहें MTS जो भी अदर एग्ज़ाम है बैंक रिलेटेड सारे एग्ज़ामों में लगभग कुछ ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार ये रिपीट किया गया क्वेश्चन, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजा ने बनवाया है, तो वहाँ राष्ट्रकूट राजा के द्वारा बनवाया गया था। यह द्रविड़ शैली की तरह बना हुआ है, यह मंदिर साहस और प्रेम का परिचय देता है। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको देख के लगेगा कि नहीं ये बहुत ही
अच्छा संदेश देता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, साहस और प्रेम का परिचय देता है। दोस्तों, गुफा मंदिर के बाद मैं सेकंड बात करूँ तो वो है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली क्या है, आइए मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, ये है द्रविड़ शैली, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है पल्लव वंश के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, द्रविड़ शैली में है, पल्लव वंश ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। पल्लव शासकों द्वारा पत्थर चिनवाकर, जी हाँ दोस्तों, पत्थर जो है नक्काशी कर और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर वास्तुकला के शानदार नमूने हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो भी है वो पल्लव शासकों के द्वारा ही किया गया है, इसी को उन्होंने द्रविड़ शैली का, या कहें कि द्रविड़ शैली को नाम दिया है। द्रविड़ का मतलब यहाँ पे हम राष्ट्रगान में भी द्राविड़ उत्कल बंग पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये दक्षिण भारत से जो है रिलेटेड है। चट्टानों को काटकर बनवाए गए मंदिर, महाबलीपुरम के मंडप मंदिरों को, मंडप पत्थरों को काटकर बनाए गए बड़े कमरे हैं। इनमें कारीगरी से युक्त खंभे और पैनल लगे हुए हैं। इनमें इसे महेंद्र वर्मन द्वारा बनवाया गया। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र वर्मन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस शासक का नाम पूछ भी सकता है। यहाँ पे आगे आपको लिखा हुआ है, महाबलीपुरम गंगावतरण नाम की चट्टान काटकर बनाया गया अनोखा स्मारक है। गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ द्वारा की गई तपस्या इस पैनल का विषय है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि गंगा माँ धरती पे कैसे आई, भगीरथ ने कितनी लंबी तपस्या की। लोग कहते हैं कि 5000 साल तक उन्होंने तपस्या करते रहे, उसके बाद गंगा शिव जी प्रसन्न हुए, फिर जाके उन्होंने उसे वरदान मांगा कि हमें जो है गंगा जी को धरती पर लाइए, ताकि हमारे, शायद लोग बताते हैं कि 60,000 उनके जो पूर्वज थे वो नर्क लोक में ही थे, उनको स्वर्ग में नहीं जाने को मिलता था, तो वो श्राप मिला था ऋषियों के द्वारा, तो उसी अपने पूर्वजों की उद्धार के लिए जो है उन्होंने ऐसा कदम उठाया, इतना लंबी तपस्या की कि हमारे पूर्वज इस तरीके से यहाँ नर्क लोक में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये मान्यताएं हैं, लोग कहते हैं, पौराणिक कथाएं हैं, तो इस पे यकीन करना न करना ये दूसरी बात है, लेकिन कुछ ऐसा ही जो है कि वक्तव्य लोग बताते हैं, और ऐसे ही कुछ चर्चाएं मतलब लोग करते हैं कि आपके इतिहास में या कहें अपने इतिहास में ऐसा ही कुछ सुनने में आता है कि इस तरीके से माँ गंगा को धरती पर लाया गया। तो भगीरथ जो कि भगवान रामचंद्र के पूर्वज थे, ऐसा भी आप समझिए, तो उन्हीं के कुल में ये जो है जन्म लिए। तो ऐसे ही ये जो है उनके पूर्वज लोग होते 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 गुजरते गुजरते एक समय ऐसा आया कि भगवान राम भी उसी कुल में जन्म लिए। दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा था कि महाबलीपुरम जो है मंडप के पत्थरों को काटकर बनाए गए बड़े कमरे हैं। इनमें कारीगरी से युक्त खंभे हैं, पैनल लगे हैं। इससे महेंद्र वर्मन द्वारा बनवाया गया है। महाबलीपुरम गंगा वतरण नाम की चट्टान काटकर बनाया गया अनोखा स्मारक है। गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ द्वारा की गई तपस्या इस पैनल का विषय है। उसके बाद दोस्तों, महाबलीपुरम का रथ मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस रथों का नाम पांडवों के नाम पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, पांडवों के नाम पे, शायद लोग पांडा इसको कहते हैं। तो इस तरीके से महाबलीपुरम का जो रथ का मंदिर है, एक ही बड़ी सी चट्टान थी, उसको उसी पे कट करके लोग उसको जो है बहुत आकर्षक मंदिर को बना दिए हैं। अब वो ऐसे लगता है कि चल रहा है रथ जैसा, और उसके बाद भव्य एक मंदिर भी दिखता है। दोस्तों, उसके बाद है चिनाई से बनाए गए मंदिर। उस समय शायद एक जैसे इस समय अपने यहाँ सीमेंट आता है, उस समय शायद ऐसा कुछ चूना से यूज़ करके बनाया जाता था, तो चिनाई ऐसा कुछ शब्द वहाँ पे यूज़ किया जाता था। और चिनाई से बनाए गए मंदिर में क्या है दोस्तों, महाबलीपुरम का समुद्र तट का मंदिर, यहाँ तीन मंदिर है। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है और उसके दोनों तरफ शिव के मंदिर हैं। जी हाँ दोस्तों, कैलाश मंदिर एक सुंदर विमान से युक्त है। इसमें नटराज रूपी शिव के चित्र उकेरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बनाए गए हैं वैकुंठ रूप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वैकुंठ पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और उस और जो है यह मंदिर अपने विमान और पल्लव वंश के इतिहास का चित्रण करने वाले
पैनलों के कारण विख्यात है। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे द्रविड़ शैली चोल वंश। जी हाँ दोस्तों, अभी तक क्या था, ये पल्लव वंश था, अब द्रविड़ शैली चोल वंश में कितना विकास किया या चोल वंश में कितना जो है द्रविड़ शैली में प्रोग्रेस हुआ उसके बारे में बात करते हैं। पल्लवों के द्वारा या पल्लवों की मंदिर निर्माण शैली को चोल राजाओं ने चरम पर पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपको पता है पल्लव ने शुरुआत किया था, अब चोल ने उसको चरम पे पहुंचा दिया। किस शैली को? द्रविड़ शैली को। जिनके काल में द्रविड़ शैली के विशालकाय मंदिरों का निर्माण हुआ, चोल राजाओं की राजधानी तवांजुर तंजावुर तमिलनाडु थी। मंदिर ऊंची चार दीवारी से घिरे होते थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आकर्षक बनाए जाते हैं, जैसा कि आप मंदिरों के डिज़ाइन साउथ के देख भी सकते हैं, वो एक अद्वितीय नमूने हैं। वहाँ पे आप इमेजिनेशन के अपरे हैं, ऐसे ऐसे मंदिर आपको दिखेंगे वहाँ पे। तो मंदिर ऊंची चार दीवारी से घिरे होते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते थे। उस समय वहाँ के लोग गोपुरम कहते थे, जो मंदिर का प्रवेश द्वार था। मंदिरों के शिखर को विमान कहा जाता था। जो मंदिर का शिखर होता था वो उसका विमान होता था, और ये जो द्वार होता था इसको गोपुरम बोलते थे। गर्भगृह के प्रवेश द्वार द्वारा पर द्वारपाल मिथुन और यक्ष की मूर्तियां होती थी। मंदिर परिसर के भीतर जलाशय भी होता था। गर्भगृह वर्गाकार या अष्टकोणी होता था। उदाहरण के रूप में चोल वंश के प्रतापी राजा राजा राज प्रथम ने तंजौर के 1010 ईस्वी में विशाल वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वृद्धेश्वर विशाल मंदिर का निर्माण किसने किया, तो राजा राज प्रथम ने किया है, राजा राज राजा प्रथम ने। जी हाँ दोस्तों, राजा राज राजा प्रथम ने किया है। यह मंदिर यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, इसीलिए यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने शामिल किया है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। इस वजह से जो है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस मंदिर का सबसे प्रमुख आगे देखते हैं इस मंदिर का सबसे प्रमुख विशेषता इसका विमान है। जी हाँ दोस्तों, विमान का मतलब इसका जो है शिखर बहुत अद्वितीय है। इस वजह से इसको जो है यूनेस्को ने विरासत में रखा है। प्राचीन मंदिरों में शिखरों का पूर्णतः विकसित रूप में हम मंदिर के विमान में पाते हैं। तो कहने का मतलब, जो चोल के राजा थे वो नक्काशी की अद्वितीय नमूने को जो है मंदिर की जो कहें तो ये उस समय विमान कहते थे। सबसे ऊपर विमान शब्द देखो दोस्तों, यहीं पे आ गया था विमान। आज हम लोग वायुयान को कहते हैं, या फिर कहें कि विमान जो हमारे एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन है, इसको हम लोग विमान कहते थे। तो वहाँ पे आकाशीय इमारतें जो छू रही थी मंदिर की जो है, यहाँ पे कहें गुंबद, तो उस गुंबद को ही इन्होंने विमान शब्द दिया है। यहाँ पे बात हो रही है प्राचीन मंदिरों में शिखरों का पूर्णतः विकसित रूप हम मंदिरों के विमान में पाते हैं। इसके खंभे वाले हॉल और कारीगर चोल कला के सुंदर नमूने हैं। इसमें या इसके एक हॉल में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित विभिन्न मुद्राओं का चित्रण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारे भरत मुनि थे वो नाट्य शास्त्र, कहने का मतलब वो नाटक कला में उन्होंने एक शास्त्र लिखा जिसको नाट्य शास्त्र कहते हैं। तो उसमें नाट्य शास्त्र में नृत्य कितनी जो है शैलियाँ हैं उन्होंने बताया, तो उसी को जो है इस मंदिर में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के कुछ नमूने जो है मुद्राओं या कुछ जो है नृत्य करती हुई मुद्राओं को उसमें अंकित किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों, द्रविड़ शैली काफ़ी अच्छी शैली थी, जो कि साउथ के फेवर में बहुत अच्छी थी, और साउथ की ही ये शैली है भी। तो वहाँ पे जो वहाँ के राजा थे वो बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो है काम किए, कहने का मतलब चाहे वो अपनी नृत्य कला हो, चाहे वो मंदिर बनाने की कला हो, तो उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया अपनी शैलियों पर। दोस्तों आगे बात करूँ द्रविड़ शैली विजयनगर कला, अब यहाँ पे देखते हैं द्रविड़ शैली विजयनगर कला। दोस्तों मैं बात कर रहा था द्रविड़
विजयनगर कला। जी हाँ, द्रविड़ शैली की बात कर रहा था, अब इसमें विजयनगर की कला को इंक्लूड किया गया। अभी तक हमने देखा पल्लव, फिर चोल, फिर उसके बाद अब विजयनगर की बारी आई है। द्रविड़ शैली में विजयनगर की जो विजयनगर के लोग थे, या फिर कहें उस समय छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में बटा था ये, अदर ये साउथ के जो भाग अलग अलग छोटे छोटे द्वीपों में या फिर छोटे छोटे एरिया में जो है राजा लोग अपना अपना जो है बना के सीमा बना के रहते थे या शासन करते थे। तो 16वीं शताब्दी के आसपास इसका विकास हुआ। किसका? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली तो का तो विकास काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन विजयनगर कला की द्रविड़ शैली, या कहें द्रविड़ शैली में विजयनगर की कला, तो ये 16वीं सदी के आसपास विकास हुआ। इस समय हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। हम्पी, जी हाँ दोस्तों, हम्पी पूछता है हम्पी या कहें विजयनगर की राजधानी क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किसे कहते हैं। तो इस तरह आप हम्पी को ऑप्शन में रहेगा तो आप लगा सकते हैं या बता सकते हैं। यहाँ पे फिर दे रखा है इस समय कृष्णदेव राय मुख्य शासक थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी काफ़ी मंदिर को बनाया, उन्होंने ही बहुत सारे वो भी काफ़ी मंदिरों को बनवाए हैं। आपको आगे मैं बताता चल रहा हूँ कि कितने भव्य मंदिर उनके शासनकाल में बने। विजयनगर के मंदिर शिल्प कला में बहुत ही, जी हाँ दोस्तों, शिल्प कला में भी बहुत उच्च कोटि के थे। इसमें मंदिरों के खंभों पर घोड़ों तथा हाथियों के आकार में उकेरा जाता था। क्या कहें, इसके जो खंभे थे उसमें घोड़े और हाथियों के जो है वो हाथियों की जो है चित्र को अंकित किया जाता था, जिसे याली कहते थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंदिरों के खंभों में जो चित्र नक्काशी की जाती है, या कहें कि जानवरों का नाम दे दिया जाता है, पूछे किस जानवर के होते हैं, हाथी घोड़े के, हाथी गाय के, हाथी शेर के, तो आप सीधे सीधे हाथी और घोड़े के चित्र बनाएं। और इसको कहते क्या है, इसको याली कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याली, इसको याली कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, मैं बात कर रहा था आपसे कि जो जो मंदिर के जो गुफाएं हैं, या कहें मंदिर के जो पिलर बनाए जाते थे, उस पे घोड़े और हाथी को जो है उकेरा जाता था, उसको जो है यहाँ पे याली कहते थे। उसके बाद इसमें है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे इस समय गोपुरम बहुत ऊंचे बनाए जाते थे। गोपुरम का मतलब मंदिर का प्रथम द्वार, तो वो थोड़ा ऊपर बनाए जाते थे और उसमें बड़े बड़े दरवाजे लगाए जाते थे। इन्हें राय गोपुरम भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कृष्णदेव राय मुख्य शासक था, तो उसी के नाम पे इन्हें राय गोपुरम भी कहते थे। इस समय बिना मूर्ति के हालो धर्मनिरपेक्ष छवि का निर्माण कराया गया था, जैसे लोटस महल। लोटस महल में आप देख पाएंगे इसके भव्य छवि को। कभी अगर आप साउथ में जाने का आपको मौका लगे तो आप जाइए, ज़रूर देखिए वहाँ की छवि, भव्य कला को, और बहुत ही अट्रैक्टिव वहाँ के जो है टेंपल है, बहुत ही मनमोहक जो है वहाँ के दृश्य हैं। मंदिरों का तो पूछिए मत, मंदिर वहाँ एक से बढ़ के एक हैं। अगर आपको हिंदुत्व की असली भावना को देखना है तो आप सीधे सीधे साउथ इंडिया में जाएं, कहने का दक्षिण भारत में जाएं, और वहाँ पे मंदिरों को देख के लगेगा कि नहीं, यहाँ के राजाओं ने सच में ही हिंदुत्व को उजागर किया है, हिंदुत्व की वहाँ जो है रोम रोम में बसी हुई है। तो इस तरीके से उनकी अपनी कुछ भाषाएं थी, लेकिन उसमें ही उन्होंने भगवान शिव, भगवान पार्वती, भगवान या फिर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इस तरीके से जितनी भी देवी देवताएं थे उनके मंदिर को उन्होंने बनाया। फिर यहाँ बात हो रही नृत्य और सभा के लिए खुले मंडप बनाए गए थे, जैसे लोपाक्षी का नृत्य हॉल और सिंह मंडप तथा वेल्लोर का सभा हॉल। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे नृत्य के लिए अलग सभाएं बनाई गई थी, अलग हॉल बनाए गए थे, और मंदिर के लिए अलग। विजयनगर महानवमी डिब्बा एक चौक संरचना जिसमें घोड़े और हाथियों और सैनिकों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है वहाँ की शासन को कहें तो शासन व्यवस्था क्या थी, उसको जो है उकेरा गया है या उसको बनाया गया है। दोस्तों मैं आगे बात करूँ आपसे द्रविड़ शैली की। जी हाँ दोस्तों, द्रविड़ शैली की विजयनगर कला के हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर कृष्णदेव राय के प्रमुख मंदिर हैं, या प्रमुख जो है इनके वास्तुकला के
नमूने हैं। यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, द्रविड़ शैली नायक कला। जी हाँ दोस्तों, द्रविड़ शैली नायक कला की बात कर रहा है। नायक कला का मतलब द्रविड़ शैली का हीरो कौन था। जी हाँ दोस्तों, हीरो कौन था, तो वो नायक कला बताया। द्रविड़ शैली की पराकाष्ठा मदुरै के नायक शासक के काल 17वीं शताब्दी में देखी जा सकती है। नायक शासक ही था, उसके नाम पे ही वहाँ पे नायक कला कहा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने पांड्य शासकों की इमारत शैली और तकनीक को जारी रखा और उसमें सुधार भी किए। इसमें गोपुरम को ज़्यादा आकर्षक और ऊंचा बनाया जाने लगा। प्रमुख द्वार को ऊंचा तो बनाया ही जाता था, बट उसको और अच्छे वे में बनाने लगे और अच्छी नक्काशी देने लगे। गर्भगृह के विमानों की ऊंचाई धीरे धीरे कम हो गई। कहने का मतलब, जो ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती थी मंदिर को, उसको जो है कम कर दिया गया। और ये जो प्रमुख द्वार था, इसके जो है दरवाजे पे अच्छी नक्काशी की गई और ऊंचाई लगभग वैसे ही थी जैसे पहले थी। इस समय की मुख्य विशेषता प्रकारम विकसित हो चुकी थी। विभिन्न प्रकार की जो है विशेषताएं वहाँ पे डेवलप हो चुकी थी, जो मंदिर के गर्भगृह के आसपास बाहरी भाग को आपस में जोड़ने वाला गलियारा था। प्रकारम का सबसे अच्छा उदाहरण रामेश्वरम में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप रामेश्वरम में देख सकते हैं। रामेश्वरम में आप जाइए तो आपको वहाँ पे प्रकारम का जो है अच्छा उदाहरण देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, द्रविड़ शैली की नायक कला में मदुरै का मीनाक्षी मंदिर पार्वती, जो माँ पार्वती के लिए समर्पित है या माँ देवी पार्वती के लिए है, और सुंदरेश्वर मंदिर शिव भगवान शिव के लिए जो है वो समर्पित है। तो कहें जो साउथ की मंदिरें थी या साउथ के जो मंदिर बनाए जाते थे, वो लगभग भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान या देवी पार्वती, तो भगवान शिव का वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है कहे तो मान्यता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव को पूछते हैं, उसके बाद भगवान विष्णु को। तो इस तरीके से वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं लगभग भगवान शिव के लिए बनाए गए हैं। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुजारी भगवान शिव के होते हैं। वो भगवान शिव के 18 जो 18 द्वीप हैं या 18 जो इनके शिवलिंग हैं स्थापित किए गए, उसके वो दर्शन करते हैं। ऐसा वहाँ पे मानते हैं कि 18 पीठ का दर्शन करने से वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो उसी 18 पीठ में एक जो है आपका उज्जैन का पीठ आता है, कालिकेश्वर का मंदिर आता है, और उसके बाद बाबा विश्वनाथ जो बनारस में है उसका भी जो है जिक्र होता है। तो ऐसे डिफरेंट या कहें विभिन्न पीठ बनाए गए हैं जिसका दर्शन वो अच्छे से या पूरे अपनी श्रद्धा मन से करते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आऊँ आपसे बात करूँ, नेक्स्ट जो शैली है वास्तुकला की, वो है होयसाल शैली। जी हाँ दोस्तों, होयसाल शैली बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटे वे में है, तो उसको मैं बताता हूँ। 1050 से 1300 ईस्वी के समय कर्नाटक के मैसूर के पास इसका विकास हुआ। मंदिर की आधारभूत संरचना में कई कोण बनाए गए थे। ये तारे के आकार स्टार ग्राउंडेड के में बने थे। उसके बाद मंदिरों के अतिरिक्त एवं बाह्य दीवारों पर तथा देवताओं द्वारा धारण किए गए आभूषणों पर जटिल एवं बेहतरीन नक्काशी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, होयसाल शैली में मंदिरों का निर्माण मुलायम बलुआ पत्थर से हुआ, जिससे कि मूर्तियां काफ़ी आकर्षक लगे। मंदिरों की दीवारों जिगजैग पैटर्न, जिगजैग का मतलब ऊंची नीची, ऐसा समझिए आप, जिगजैग मोशन में थी ऐसे, तो जिगजैग पैटर्न में थी। उदाहरण चेन्नकेश्वर मंदिर बेल्लूर में है, होयसलेश्वर मंदिर बेलीवुड कर्नाटक में है, केशव मंदिर सोमनाथपुरा में है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसके होयसाल शैली के आप जो है नमूने इस मंदिर में जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं अब नेक्स्ट की बात करूं तो आप यहां से देख रहे होंगे पाल मंदिर शैली। जी हां दोस्तों, पाल मंदिर शैली बंगाल क्षेत्र में 8वीं और 12वीं शताब्दी में इसके बीच में इसका विकास हुआ। पाल राजवंश और सेन राजवंश द्वारा इसे संरक्षण दिया गया। इसमें छतें वक्राकार थी, साथ ही छतों पर आमलक जैसा शिखर था। इस शैली में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ। उदाहरण फराकर में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार में है आपका। आइए मैं नेक्स्ट शैली की बात करूँ।
दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है आपकी नागर शैली। नागर शैली क्या है, आइए उसके बारे में बात करें। नागर शैली हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी, ये कहें तो अपने तरफ की शैली थी या नॉर्थ इंडिया की जो है शैली थी। इस शैली के मंदिर पंचायतन शैली में बने। जी हाँ दोस्तों, पंचायतन शैली कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हॉल भी है और मंदिर भी है। ये वर्गाकार आयताकार के रूप में होते हैं। इनमें गर्भगृह के ऊपर वक्र रेखी शिखर होता है जिसके ऊपर आमलक और कलश होता है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, जो इसका हेड होता है मंदिर का कुछ ऐसा होता है या फिर कुछ ऐसे होते हैं मंदिर की गुफाएँ। तो इस तरीके से मंदिर को यहाँ पे बनाया जाता है डिफरेंट नक्काशियों में। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों मैं बात करूँ तो ये लिखा, इसमें खंभों तथा छतों पर अधिक कारीगरी होती थी। नागर शैली के मंदिरों में जलाशय नहीं होता था। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप साउथ के मंदिरों में देखें वहाँ पे जलाशय होता था। नागर शैली की क्षेत्रीय विशेषताएँ, आइए मैं इसके कुछ क्षेत्रीय विशेषताएँ की बात करूँ तो इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे खजुराहो के समूह के मंदिर। जी हाँ दोस्तों, खजुराहो के समूह के मंदिर, खजुराहो के समूह के मंदिर यहाँ से आप देख रहे होंगे। इनमें शिखर के ऊपर छोटे छोटे शिखर उकेरे गए हैं, उन्हें या जिन्हें उर्व सिंह कहते हैं। शिखर हुआ इसलिए श्रृंग का मतलब चोटी होता है, तो उर्व सिंह कहे। ये मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। इनमें गर्भगृह मंडप और बरामदा बनाए गए हैं। ये कामुक प्रतिरूपों के लिए प्रसिद्ध हैं जो कामसूत्र से लिए गए हैं। बराबर, ये जो कामसूत्र एक शास्त्र है उससे जो है ये लिए गए हैं। उदाहरण खजुराहो स्थित कंदरिया मंदिर, या कहें कंदरिया का महादेव मंदिर आप देख सकते हैं। इस मंदिर को आप तब समझ जाएंगे नागर शैली के बारे में। यहाँ पे उसका जो दूसरा क्षेत्र है वो है उड़ीसा के समूह का मंदिर। समय काल 18वीं और जो है 13वीं सदी के बीच का था। इसमें नागर शैली की सभी विशेषताएं हैं। इसमें शिखर को देउल, जी हाँ दोस्तों, देउल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शैली के शिखर को जो है देउल कहा गया, तो आप कहेंगे नागर शैली का जो शिखर होता था मंदिरों का उसको देउल कहते थे। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते थे, देउल। तो आप एक क्वेश्चन बता सकते हैं। यहाँ से जितनी बातें हैं सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेंगी। फिर यहाँ पे आप देख चुके, फिर आगे लिखा इसमें मंडप को जगमोहन कहा जाता था। ये भी पूछ सकता है कि किस शैली में जो है शिखर को, मंडप को जगमोहन कहा जाता था, तो आप नागर शैली कह देंगे। इस समूह के मंदिर वर्गाकार हैं, साथ ही मंदिर के बाहर चार दीवार भी बनाई हुई है या बनी हुई है। इस समूह के मंदिरों के उदाहरण है जगन्नाथ का मंदिर। आप जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में देख सकते हैं, तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि ये कला या ये शैली, नागर शैली कैसी थी, क्या थी। दोस्तों आगे बात किया है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसकी बनी हुई। अभी तक हमको पता था कि मूर्तियां जो है पत्थर की बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे ये जो मूर्ति है ये लकड़ी की बनी हुई है। 11वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, 11वीं शताब्दी के पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने इसे बनवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों जैसा कि आप आगे देख रहे होंगे, यहाँ तक मैं बता चुका हूँ, यह चार धामों में से एक है। जो चार धाम माने गए हैं उसमें से एक जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के लिए जो समर्पित है, उनका जो है एक चार धामों में से एक आता है। जैसे चार धामों में है आपका हरिद्वार, पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम, तो ये चार धाम हैं, तो इसमें से एक धाम ये पुरी आता है, तो ये जो कि उड़ीसा में। अब बात करें, यह रथ यात्रा कृष्णदेव, बलदेव, सुभद्रा के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कृष्णदेव, बलदेव और सुभद्रा के लिए वहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है, उसके लिए ये
जो है पूरे वर्ल्ड में विख्यात है, पूरे संसार में जाना जाता है रथ यात्रा। फिर दोस्तों यहाँ बात हो रही लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर कहें उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप देख रहे होंगे, 13वीं सदी के पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंहा प्रथम द्वारा बनवाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आपको चक्र के रूप में दिखाया था अभी दोस्तों मैं नीचे, ये आप देख सकते होंगे, यही है आपका ब्लैक पगोड़ा। अब आपको पता भी हो चल जाएगा इसी पे जो है वो बनाया गया है, तो उसी से ये जो है उसके एक कहें तो नीचे के उसके जो है नीचे एक छपा हुआ चक्र जैसा आकृति है उसी को सेलेक्ट किया है। यहाँ 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिम्हा प्रथम द्वारा निर्माण, इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। इसकी दीवारों पर कामुक प्रतिरूपों को उकेरा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रवेश द्वार ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। यह रथ के आकार से बना हुआ है या बना है, जिसमें पत्थर के 7 घोड़े तथा 24 पहिए बने हुए हैं। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है लिंगराज मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं बात करूँ तो पश्चिमी भारत में नागर शैली का क्या योगदान था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप देख सकते हैं, यह 5 मंदिरों का समूह है। शिल्पकारी और छतों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर का प्रयोग अधिक हुआ है इस मंदिरों में विमल वसाही मंदिर प्रथम तीर्थकर को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर है। गुजरात के मोढेरा का मंदिर आप देख सकते हैं, इसे सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। यह सूर्य मंदिर स्थापत्य कला शिल्प का बेजोड़ नमूना है। जी हाँ दोस्तों, ये स्थापत्य कला का जो है बेस्ट आकृति है। इसमें कीर्ति तोरण भी बना हुआ है, जैसे कीर्ति तोरण जो वहाँ के राजा किसी लड़ाई में विजय पाते थे तो वहाँ पे उससे कीर्ति तोरण बनवाते थे, तो उस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। इसके सामने सीढ़ी नुमा विशाल टैंक सूर्य कुंड बना हुआ है, तो उस समय दोस्तों सूर्य कुंड यहाँ पे वो सूर्य भगवान सूर्य के लिए वो सूर्य कुंड बनवाए थे। आगे मैं बात करूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट की बात करूं दोस्तों तो आगे आपका है बेसर शैली में क्या है। इसका विकास 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर किसड़ा नदी तक पाए जाते हैं। इसमें द्रविड़ियन तथा नागर शैली दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। साउथ की जो है द्रविड़ियन शैली और जो नॉर्थ की है आपकी वो है नागर शैली, तो दोनों की विशेषताएँ इसमें आपको देखने को मिलती है। इसे चालुक्य या कर्नाटक शैली भी कहा जाता है। तो ये पूछता है किस शैली को चालुक्य कर्नाटक शैली कहते हैं, तो उसमें आप बेसर शैली बता सकते हैं। दोस्तों ये पूरा वीडियो आपके लिए एकदम रोचक है, आप मान के चलिए कि ये आपसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो UPSC के हों, चाहे वो SSC के हों, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे वो बैंक से हो, आपसे जो स्थापत्य कला पूछेगा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। ये क्वेश्चन क्या 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, और ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, डन है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही। इसकी आधार योजना, इसका जो ग्राउंड प्लेन है नागर शैली की तरह है। इसके विमान में नक्काशी द्रविड़ियन शैली की तरह है। कुछ चीज़ें इसमें जो है मिला जुला है, कहें बेसर का मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ें, तो यहाँ पे कुछ इसकी द्रविड़ियन शैली है, कुछ इसकी जो है आपकी नागर शैली है, तो ये दोनों का मिक्सअप है। इसमें मंडप और विमान को जोड़ने के लिए अंतराल का प्रयोग किया गया है। नागर शैली में भी अंतराल देखने को मिलता है, ये एक पॉइंट यहाँ से मिला। मंदिर की दीवारों छतों तथा दरवाजों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। उदाहरण चालुक्य के राजाओं द्वारा बनवाए गए ऐहोल, बादामी, पड़ियक्कल और विरूपाक्षा मंदिर और एलोरा का रामेश्वरम गुफा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, 4 भुजाओं वाले नृत्य करते हुए भगवान शिव को ये समर्पित है एलोरा का रामेश्वरम गुफा मंदिर। तो आप इस बेसर शैली को इस मंदिर में देख सकते हैं। दोस्तों कुछ अन्य शैलियाँ हैं जो कि
आपसे मैं बता दूँ, कुछ अन्य राजा हुए जो अपने तरीके से वो बना जो है वहाँ पे मंदिरों का निर्माण किए। तो उसमें आइए मैं कुछ अन्य शैलियों के बारे में बात करूँ। मार्तंड सूर्य मंदिर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे होंगे मार्तंड सूर्य मंदिर, इसमें है यह जम्मू और कश्मीर के राज्य अनंतनाग जिले में स्थित है और यह प्राचीन मंदिर है। यह भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 750 से 756 ईस्वी ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा करवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के शासक थे, वहाँ के राजा थे, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा करवाया गया था। मंदिर के पूर्वी किनारे पर मुख्य प्रवेश द्वार है, कहने का मतलब प्रवेश द्वार है। इसके प्रवेश द्वारों पर मेहराब बने होते थे। मेहराब का मतलब आप समझिए ऐसा ही कुछ जो है राउंडिंग होता था, दरवाजों पे कुछ ऐसे ही मेहराब बनाए जाते थे, तो ये ही उसको कहते हैं मेहराब। तो इस आकार में जो बनता है वही होता है मेहराब के आकार में। प्रवेश द्वार मेहराब के आकार के बनाए जाते थे। द्वार मंडप तथा मंदिर के स्तंभों की वास्तु शैली रोम की डोरिक शैली, जी हाँ दोस्तों, रोम वास्तुकला जो मिस्र की है डोरिक शैली से मिलती जुलती है। सोचिए कि हमारी कला कहें तो रोम तक फैली हुई थी, तो वहाँ के जो कुछ लोग आते थे तो यहाँ की जो वास्तुकला थी या फिर वास्तु नमूने थे उसको देख के जो है वहाँ पे गए बना दिए। तो कुछ सिमिलर है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। डोरिक शैली हमारी जो है जो इसकी आपकी रोमन शैली है, रोम की कला से मिलती हुई। तो आगे बात करूं, इसके स्तंभों में ग्रीक संरचना का इस्तेमाल हुआ है। आप देख रहे होंगे मिस्र में ग्रीक भाषा है, तो उस तरीके से उसका यहाँ पे कुछ हद तक नमूना मिलता है। यह मंदिर कश्मीरी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें गांधार, गुप्त, चीनी, रोमन, सीरियन, जी हाँ दोस्तों, एक देश है सीरिया, उसी से है, सीरियन, वेजेंटाइन और ग्रीक शैली को मिश्रित किया गया है। तो आपसे ये मिश्रित कला है, ये भी पूछ सकता है सूर्य मार्तंड सूर्य मंदिर में कितनी जो है आपकी कलाएं हैं, कितनी शैलियां हैं, तो आप यहां से इस चीज़ को बता सकते हैं। या ये भी पूछ सकता है रोमन, गुप्त और गांधार और चीनी ये कला किस मंदिर में देखने को मिलता है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे जम्मू कश्मीर जो अनंतनाग जिले में स्थित मंदिर है सूर्य मार्तंड सूर्य मंदिर, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों ये इस वीडियो में दोस्तों मैं अपने जो सभी लगभग जो कला शैलियाँ हैं भारत की उसकी बात कर चुका हूँ। दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे हमने गुफा से स्टार्ट किया, द्रविड़ को बताया, फिर उसके बाद हम जो है नीचे ले गए, आपको दिखाए जो है होयसाल शैली के बारे में, फिर पाल मंदिर के बारे में बताया, फिर उसके बाद आपको नागर शैली हमने यहाँ पे आपको दिखाई और डिटेल में उसके बारे में बताया, फिर उसके बाद हमने आपको दिखाया कि वेसर शैली क्या है, फिर अन्य। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली थी उसके जो है दोस्तों डिफरेंट नमूने थे, आपको यहाँ से 1, 2, 3, जी हाँ दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स है हर एग्ज़ाम में, 1-2 क्वेश्चन, और अगर साउथ से अगर एक क्वेश्चन उठा लिया और उसके बाद आपका नॉर्थ से एक क्वेश्चन उठा लिया, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके बन गए। तो 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा सारा वीडियो आप तक पहुँच सके, आप अपडेट हो सकें और अच्छे से अच्छे आप जो है एग्ज़ाम में मार्क्स गेन कर सकें, ताकि आपका सिलेक्शन हो। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, आपको इस तरीके से और रोचक तथ्य या और रोचक बातें मैं आपको लेके आता रहूँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।